जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएड एंड बीपीएड सीईटी 2025 का हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एग्जाम 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देने वाला हूँ। और बीपीएड सीईटी का तो एक स्पेशल पॉइंट भी देने वाला हूँ, बिकॉज बीपीएड सीईटी जो है वो आपको रिटन भी होता है और आपको फिजिकल फिटनेस का भी होता है। तो क्या करना है ड्यूरिंग दिस पूरा साल में, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस अगर आप पहली बार आए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। एंड 2025 के लिए बीएड और बीपीएड दोनों के लिए बैचेस लॉन्च हो गई है। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ईबुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट विदितएजुकेशन.com। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, डू फिल दैट फॉर्म, ओके। सो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नो द कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो बीएड का हो या बीपीएड का हो, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज नो द कंप्लीट एग्जाम पेपर पैटर्न। अब एग्जाम पेपर पैटर्न क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाया, वो भी आपको पता चल जाएगा सिलेबस के साथ, ओके। नाउ आफ्टर दिस गेट द प्रॉपर स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। यस, करंट अफेयर्स के साथ पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको लगेगा, तो वो आप हमसे ले सकते हो, हमारे बैचेस में भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेक योर प्रॉपर टाइम टेबल, बैलेंस द टाइम। यस, अब आपके पास स्टडी मटेरियल आ गया, आपके पास सिलेबस आ गया, एग्जाम पेपर पैटर्न आ गया, अब क्या है, आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लो। आपका ग्रेजुएशन में है फाइनल ईयर का, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो उसके हिसाब से आपको कब टाइम फिजिबल मिलता है वो प्रिपेयर करने के लिए आप एक अपना टाइम टेबल बना लो कि ओके 2 आवर मैं दिन का दूंगा मेरे बीएड के प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज अच्छा कॉलेज मतलब अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा कम फीस, ये सारी चीज़ें रहती है, ओके। सो नाउ आफ्टर दिस डेली प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का ये एक नया रहता है, आपके करिकुलम में आप पढ़े नहीं रहते हो, तो ये इसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि कैसे करना है इन अवर लाइव क्लासेस। रीड न्यूज़पेपर फॉर वोकैब बिल्डिंग। यस, 50 मार्क्स का आपका ELCET होता है, तो वोकैब बिल्डिंग ज़रूरी है, वोकैबलरी। सो आपको इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, ये दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप स्टार्ट करिए इंडियन एक्सप्रेस से, और वर्ड पावर मेड इजी की एक बुक है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज इंग्लिश एक घंटे का अलग से एग्जाम होता है ELCET के लिए, फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस के लिए। नाउ नेक्स्ट इज रीड न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स, ऑल्सो पेज वन एंड एडिटोरियल पेज। यस, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू का पेज वन या एडिटोरियल पेज आप रीड करिए, ओके, फॉर करंट अफेयर्स अपडेट। तो ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज गिव टॉपिक वाइज टेस्ट। आपको टॉपिक वाइज मेंटल एबिलिटी, ये इंग्लिश का सारा टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहिए। नए फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज एंड इट्स एनालिसिस, आप कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रांग हो, आपको किस टॉपिक पर कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगी। फुल लेंथ CET लेवल वाली मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। टाइमली रिवीजन। यस, रिवीजन इज़ द की, मतलब आपने आज पढ़ा और कल भूल गए तो उसका कुछ मतलब नहीं है। सो रिवीजन इज़ द की, टाइमली रिवीजन हर चीज़ का होना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल प्रिपरेशन टिप्स फॉर BPED CET ऑन फील्ड टेस्ट। यस, ये 100 मार्क्स का होता है फील्ड टेस्ट, ओके। सो आपको फील्ड टेस्ट के ऊपर भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो पहला हैव गुड हेल्थ, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए तो ही आप फिजिकल एजुकेशन का टीचर बन पाओगे, ओके। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका प्रिपेयर फॉर फील्ड टेस्ट ऑल्सो फिटनेस टेस्ट होता है जो 100 मार्क्स का होता है, उसके ऊपर स्कोर जाता है, एंड उसी के ऊपर और थियोरी का जो पेपर होता है उसके ऊपर आपको एडमिशन मिलता है। सो दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर फॉर बीएड, बीपीएड, फील्ड टेस्ट के लिए सारी चीज़ें। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको प्रिपरेशन के दौरान ध्यान में रखना है और इसी के तरीके से प्रिपरेशन शुरू करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।